हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेकअप बाय एमए 101। और आज हम कर रहे हैं वीडियो व्हाट इज़ इन माय मेकअप पैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी प्यारी सी वीडियो। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी अपनी बहुत ही अच्छी फाउंडेशन जो कि है गोल्डन रोज़ की, और इसका शेड है 01। ये बहुत ही लाइट वेट फाउंडेशन है, इसे आप बिल्डअप करके फुल कवरेज भी बना सकते हैं और इसे अप्लाई करना भी बहुत ईजी है, बहुत ईजीली ब्लेंडेबल है ये। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा बहुत ही अच्छा ब्रश है फेस पाउडर अप्लाई करने के लिए, ये ब्रश यूज़ होता है। इसकी ब्रिसल कितनी सॉफ्ट है, ये बहुत अच्छा ब्रश है। मुझे इसका नाम नहीं पता, ना ही इस ब्रश के ऊपर लिखा है, मैंने रिसेंटली लिया है और इसका बॉक्स भी मैंने फेंक दिया है, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इसका नाम क्या है। और ये है मेरा फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए जो ब्रश मैं यूज़ करती हूँ, ये वो है और ये बहुत अच्छा ब्रश है। इसकी भी ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट हैं, पहले मैं हमेशा स्पंज यूज़ करती थी लेकिन ये भी बहुत अच्छा ब्रश है। मुझे नहीं पता था कि ब्रश से भी आपकी इतनी अच्छी सी फाउंडेशन लग सकती है, और ये ब्रश बहुत पसंद है मुझे और ये अफोर्डेबल भी बहुत है। दोनों ब्रशेज़ बहुत अफोर्डेबल हैं, बहुत पॉकेट फ्रेंडली हैं। ये मेरी लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक, ये बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। इसका शेड भी बहुत प्यारा है, ये हमेशा मैं अपने मेकअप बैग में रखती हूँ। फिर है मेरा एसेंस का मस्कारा एक्सट्रीम लैश, और ये बहुत अच्छे वॉल्यूम देता है आपके आई लैशेज को। फिर है जी ये गोल्डन रोज का फेस पाउडर, बहुत अच्छी कवरेज है, ये फुल कवरेज फेस पाउडर है और मैट है, ये आपके बिल्कुल भी कोई भी पसीना नहीं आने देता, आपके फाउंडेशन को लॉक करके रखता है। फिर है ये मेरा मिरर जो कि बहुत ही ज़रूरी है, एक अगर मेरे बैग में होना तो लाजमी है। फिर है जी ये मेरी 24 आवर मैट लिपस्टिक, और ये मैंने पाकिस्तान से ली थी और ये बहुत अच्छी है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। और शेड है मॉर्फी का, और ये बहुत अच्छा है, ये भी मैट है। आजकल मैं मोस्टली लिक्विड मैट लिपस्टिक्स ही यूज़ कर रही हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन ये यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं दूसरी लिपस्टिक के साथ बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत जल्दी लिपस्टिक ख़राब कर देती हूँ अपनी, इसीलिए। सो नेक्स्ट इज़ दिस एसेंस आईब्रो जेल जो कि बहुत अच्छा है, बहुत देर तक आपकी आईब्रोज पर स्टिक करता है, मेरा तो कभी भी रिमूव नहीं हुआ आज तक जब से मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत अच्छा है। साथ में ये ब्रश आपको मिलता नहीं है, ये अलग से लेना पड़ता है। फिर मैं इस छोटे से पाउच में जिसके साथ मेरा ट्वीज़र आया था, लड़कियों के लिए तो मस्ट है, एक छोटा ट्वीज़र सिल्वर कलर का जो है मैं वो अपनी आई लैशेज अप्लाई करने के लिए यूज़ करती हूँ। फिर है ये ब्राउ लिफ्टर एंड हाइलाइटर, इसमें हाइलाइटर भी है और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है जिसमें दोनों एंड्स पे आपको एक एक प्रोडक्ट मिलती है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। फिर है जी ये दो लिप लाइनर मेरे पास, एक है पिंक में और एक ब्राउनिश में, एक है एटीट्यूड का, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत बुरे से यूज़ किया हुआ है। सब ब्लश जिसको मैं अपने बैग में रखती हूँ क्योंकि ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली है और इसका शेप भी बहुत अच्छा है। फिर मैं रखती हूँ अपने बैग में ये आई लैश कर्लर क्योंकि मेरी आई लैश बहुत छोटी हैं और इसके बगैर मेरा गुजारा बिल्कुल भी नहीं है। और ये है मेरा कंसीलर, और ये बहुत ही अच्छा
बढ़िया नहीं है बिल्कुल, ये नॉर्मल सा एवरेज सी इसकी कंसिस्टेंसी भी ठीक है, बस बहुत ख़ास नहीं है इसमें ऐसा कुछ भी, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी किसी को। फिर है जी ये मेबेलिन का ब्रेक लैश, और ये बहुत वाटरप्रूफ मस्कारा है। ये बहुत ज़्यादा आपको वॉल्यूम नहीं देता आपकी आई लैशेज में, लेकिन अगर आपको वाटरप्रूफ मस्कारा चाहिए तो ये बहुत ही अच्छा है। एसेंस वाला मैं वॉल्यूम के लिए रखती हूँ, जैसे कि इसकी वॉन्ड आप देख सकते हैं बहुत ही छोटी वॉन्ड है इसकी, और ज़्यादा वॉल्यूम नहीं देगा, लेकिन ये बहुत अच्छा मस्कारा है, वाटरप्रूफ है और आपकी आई लैशेज को अलग अलग कर देता है, बिल्कुल भी साफ स्टिक नहीं होने देता। फिर है ये एक आई लाइनर जो कि मेरे पास पड़ा हुआ है, इसका कलर बहुत ही अच्छा है, बहुत जेट ब्लैक है, और शेप देने में भी आसानी होती है इससे, इसके आगे छोटा सा ब्रश लगा हुआ है और ठीक है अच्छा है। तो ये है मेरा मेकअप पैक जो कि है गोल्डन रोज़ का। जी नहीं, मुझे बिल्कुल भी उन्होंने जो है ना स्पॉन्सर नहीं किया हुआ, ये मैंने खुद लिया अपने पैसों से और बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद ये मुझे गिफ्ट में मिला था। और देखते रहिए मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए, वेट कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करिए, और मत भूलिएगा कि अपना बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप देख सकें। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें इस छोटू से बैग में से ही निकली हैं, सब इसी के अंदर पड़ी हुई हैं।